ओके हेलो एंड वेलकम यू ऑल एंड टूडेज क्लास विच बी एक्सप्लेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कामेटिक्स सॉरी काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स ठीक है एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है दैट इज द फिफ्टी के जी क्रिएट शोन इन फिगर ठीक है इसकी बात हम कर रहे हैं रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल सर्फेस फॉर विच द कोविशंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इज़ ज़ीरो पॉइंट थ्री ठीक है इस क्रेट की बात हम कर रहे हैं एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर आपके पास एक क्रेट पड़ा हुआ है और इसके जो इसको जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है या जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर जेड होगी दैट विल बी ज़ीरो पॉइंट थ्री ठीक है इफ़ द क्रेड इज़ सब्जेक्टेड टू अ फोर हंड्रेड न्यूटन ट्रॉइंग फोर्स एज शोन अगर इसके ऊपर आप इस क्रेट को के ऊपर आपके पास फोर हंड्रेड न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है ये जो आपके पास इसको आप कोई मतलब किसी चीज़ से आप खींच रहे हैं और वो आप उसको पी से आप डिनोट करें और डेट विल दैट इज इक्वल टू फोर हंड्रेड न्यूटन फोर्स ठीक है डिटमाइंड दिलास्टी ऑफ द ग्रेट इन थ्री सेकेंड स्टार्टिंग फ्राम द रेस्ट क्रेट आपके पास पड़ा हुआ है रेस्ट में ठीक है और उसके ऊपर उसकी जो उसका जो वेट है वो आपके पास फिफ्टी के है उसके ऊपर उसका जो सरफेस अर्थ सरफेस के साथ या जो हॉरिजेंटल सरफेस है उसके साथ जो फ्रिक्शन जो म्यू के उसका है कॉपिशन ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट थ्री और उसके ऊपर फोर हंड्रेड न्यूटन फोर्स लग रहा है ठीक है तो आप फाइंड करें कि इसकी विलासटी कितनी होगी आफ्टर थ्री सेकेंड थ्री सेकेंड्स ठीक है आप इसके ये चीज़ें अप्लाई कर लें तो तीन सेकेंड बाद इसकी विलासटी क्या होगी ठीक है तो यू हैव टू जस्ट डिटरमाइन डिटर अच्छा यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन रिलेट द करेट्स एक्सेलरेशन टू द फोर्स काजिंग द मोशन द क्रेट्स विलास्टी कैन बी डिटरमाइन यूजिंग कैनामेटिक्स ठीक पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो नॉर्मल और एक्सेलरेशन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद जो विलास्टी है फिर वो हम कैनामेटिक्स के थ्रू जो तो इक्वेस हमने निकाले थे उससे हम फाइंड कर लेंगे अच्छा इसमें हमारे पास है कि वेट ऑफ द ग्रेट इज़ डब्ल्यूजिकल टू एम जी ठीक तो है फिफ्टी के जी आपको गिवन है उसको मल्टीप्लाई करें नाइन पॉइंट एट के साथ तो आपके पास इसका वेट आ जाएगा फोर नाइन्टी पॉइंट फाइव न्यूटन ठीक है इसका वेट आपके पास फोर नाइन्टी पॉइंट फाइव जो एग्जर्ट हो रहा है डाउनवर्ड ठीक है ये इस फ्री बॉडी डाइग्राम है इसका फोर नाइन्टी इसके ऊपर डाउनवर्ड एग्जर्ट हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू न्यू के एन सी ठीक है एंड एक्स टू द लेफ्ट देर आर टू अन नेमली एन सी है अब हमारे पास जो फोर्स एक आपके पास एन सी जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है ठीक है एंड देट इज़ अपवर्ड यहाँ पे आपके पास नॉर्मल फोर्स इस वेट को लग रहा लगेगा वो और आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास है जो फ्रिक्शन होगी वो आपके पास कॉपेशन ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स तो कॉपिशन ऑफ फ्रिक्शन आपके पास गिवन है जीरो पॉइंट थ्री उसको आप एन सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ, आ जाएगी लेकिन इसमें आपके पास एन सी नॉन नहीं है तो पहले आपने एन सी फाइंड करना होगा ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे यूजिंग द डाटा शोन ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम इसी डाटा को हम लेंगे और पहले हम आ, कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सेज ठीक है उसकी जितनी भी अलॉन्ग एक्स एक्स जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे फिर अलॉन्ग वाई हम कर लेंगे तो उससे हमारे पास इक्वेशंस आ जा जाएंगे अच्छा इसमें देखें आपके सबिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एलॉन्ग एक्स कम्पोनेंट ठीक है कि एक्स कंपोनेंट में आपके पास जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं आप वो लिखें ठीक है दैट इज़ इक्वल टू एम ए एक्स ठीक है मास इन टू एक्सेलेशन एक्स ठीक है ओके अच्छा फर्स्ट हमारे पास है कि फोर्टी काज थर्टी ये फोर्टी फोर हंड्रेड सॉरी फोर हंड्रेड काज थर्टी अच्छा तो फोर हंड्रेड जो न्यूटन फोर्स लग रहा है वो आपके पास एक एंगल पे लग रहा है अगर ये आपके पास स्ट्रेट लग रहा होता इस एंग इसमें कोई एंगल ना होता जीरो पे होता तो आप क्या करते कि जस्ट इसको फोर हंड्रेड न्यूटन ले लेते लेकिन यहाँ पर चूँकि आपके पास आ, दो कंपोनेंट्स में आपके पास ये फोर्स uh, लग रहा है एक्स कंपोनेंट में भी और वाई कंपोनेंट में भी तो हम क्या करेंगे कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है हम वो ले लेंगे इन एक्स कंपोनेंट जब हम एक्स कंपोनेंट की को रिजॉल्व करेंगे तो उसमें सिर्फ हम एक्स कंपोनेंट ले लेंगे ठीक है तो वो हमारे पास क्या है फोर हंड्रेड कास थर्टी ठीक है फोर हंड्रेड कास थर्टी ये जो कंपोनेंट है ये और ये हमारे पास वाई है इसको हम वाई कंपोनेंट में लेंगे ये हमारे पास जो पार्ट है इसका फोर हंड्रेड काज और ये जितना भी हमारे पास थीटा होगा वो लेंगे तो देट इज़ नाव फोर हंड्रेड काज थर्टी ये हो गया आपके पास माइनस जीरो पॉइंट थ्री एन सी ठीक है अब ये फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है ठीक है फ्रिक्शन फोर्स आपके पास चूँकि इस ऑब्जेक्ट का ये इस बॉडी का इस क्रेट का, का जो मोशन है वो आपके पास टूअर्ड्स एक्स डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में अगर आपके पास है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपके पास अपोज़िट डायरेक्शन में एग्जर्ट होती है फ्रिक्शन फ़ोर्स आपके पास किसके बराबर है फ्रिक्शन फ़ोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट थ्री एन सी ठीक है तो आप यहाँ पे माइनस ये माइनस में इसलिए है क्योंकि अपोज़िट डायरेक्शन में तो माइनस ज़ीरो अगर ये इस डायरेक्शन में कोई आपके पास और फोर्स लग रहा होता तो हम उसको प्लस प्लस ले लेते हैं लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको लेंगे ज़ीरो पॉइंट थ्री and सी एंड uh, uh, all this is equal to ये फिफ्टी आपके पास कहाँ से है दैट इज़ मास ऑफ द ग्रेट ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एम ए है ठीक है तो एम की जगह आप फिफ्टी के जी लिखेंगे क्योंकि ये गिवन है आप इसका ग्रेड है और ए आपको आपके पास अननोन है तो आप ये लिख लेंगे ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे कि वाई कंपोनेंट में आप फाइंड कर लेंगे एक्स कंपोनेंट आप लोगों ने फाइंड कर लिया वाई कंपोनेंट जब आप फाइन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे देखें समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एलॉन्ग वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू एम एलॉन्ग वाई सो चेक करें कि वाई में आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं देखें एक फोर्स आपके पास ये लग रही है एक आपके पास ये लग रही है और एक आपके पास इसका जो कंपोनेंट है वो लगेगा ठीक तो देखें इसको कैलकुलेट करें एन सी आपके पास अपवर्ड लग रहा है तो अपवर्ड आपके पास वाई जो है पॉजिटिव है तो आप इसको पॉजिटिव सी लिखेंगे एन सी यानी कि नॉर्मल जो फोर्स है आपके पास एंड माइनस फोर नाइन्टी पॉइंट फाइव ठीक है ये फोर नाइन्टी पॉइंट फाइव हमने यहाँ से निकाला था कि इसका जो वेट है क्रेट का डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी ठीक है तो फिफ्टी इंटू नाइन पॉइंट एट तो आपके पास फोर नाइन्टी पॉइंट फाइव है जो डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको जब ये डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव वाई होगा को तो आप लिखेंगे माइनस फोर नाइन्टी पॉइंट फाइव ठीक है अब यहाँ पे हमने जो कॉस जो हमने कंपोनेंट लिया था एक्स कंपोनेंट का इस फोर्स का ठीक है पी फोर्स जो आपके पास है इसके आपके पास दो कंपोनेंट्स है तो एक तो हमने एक्स कंपोनेंट के साथ ले लिया था अब हम वाई का जो रह गया था हम वो लेंगे ठीक है तो हमारे पास वो क्या है प्लस ठीक है अब ये आपके पास अपवर्ड लग रहा है यानी कि ये आपके पास ओरिजिन है और आपके पास इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से यहाँ तक है तो ये पॉजिटिव होगा अगर फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही होती तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर आपके पास नेगेटिव होता तो यहाँ पर आप इसको क्या लेंगे प्लस फोर हंड्रेड इंटू साइन थर्टी थर्टी आपके पास ये थीटा है एंड इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो इसलिए कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन uh, वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी इसकी इसलिए ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए ज़ीरो हो जाएगा ठीक है अच्छा इससे आप क्या आपने क्या करना है कि एन सी आपने इस इक्वेशन से निकाल लेना जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एन सी इज़ इक्वल टू टू नाइन्टी पॉइंट फाइव न्यूटन आ जाएगा ठीक है अब टू नाइन्टी पॉइंट फाइव जब ये आ जाए तो आप जस्ट सिंपली क्या करें कि इस फर्स्ट इक्वेशन में आप एन सी की जगह पर नाइन्टी पॉइंट फाइव न्यूटन पुट कर दें जब आप ये पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इससे ए आ जाएगा जो एक्सेलरेशन आपके पास है एंड दैट इज़ इक्वल टू फाइव पॉइंट वन एट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है अब ये तो आपके पास आ गए हैं ए, ए भी एक्सेलरेशन भी आपके पास नॉन हो गया नॉर्मल जो फोर्स था ये भी आपके पास नॉन हो गया ठीक है लेकिन हमसे मांगा गया है कि आपने वेलोसिटी को फाइंड करना है ठीक है अब विलासिटी को किस तरह फाइंड करेंगे नोटिस दैट द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट सिंस द अप्लाइड फोर्स पी इज कांस्टेंट ठीक है एक्सेलरेशन जो आपके पास कांस्टेंट होगा तो पी आपके पास सिंस सिंस द इनिशियल विलासटी इज़ जीरो इनिशियल विलासटी तो आपके पास जीरो है ना वो क्योंकि वो आपको गिवन no, है यहाँ पे कि क्रिएट वोज इन रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फिस ठीक है अब इसके बाद जो तीन सेकेंड है हमने उसका फाइंड आउट करना है अच्छा अब ए हमारे पास नॉन है ठीक है तो हम कैनामेटिक्स जो हमने किए थे इक्विशन उसमें से सिंपली हम क्या करेंगे कि वी इज ईक्ल टू वी नॉट प्लस ए टी या वी आपके पास फाइनल विलासटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलासटी प्लस एक्सेलरेशन इन टू टाइम तो इनिशियल विलासटी आपके पास ज़ीरो है प्लस एक्सेलरेशन आपके पास हमने फाइंड कर लिया ठीक है और टाइम आपको गिवन है कि थ्री सेकेंड्स आफ्टर थ्री सेकेंड्स ये आपके पास टाइम गिवन है जब आप पुट करेंगे तो इससे आपके पास एक्सल इसकी विलासी आ जाएगी कि जब आपने फोर हंड्रेड न्यूटन एक फिफ्टी के जी क्रेड के ऊपर जब आप इस थर्टी एंगल के थर्टी एंगल से लगाएंगे और उसके और ज़मीन के जो सरफेस है उसमें आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास कितना हो टू न्यूटन हो ठीक है तो आप, आपके पास उसकी वालास्टी आफ्टर थ्री सेकेंड्स कितनी होगी दैट विल बी फिफ्टीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है अरे ये फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड है ये दिस इज़ नाट तो इसको हम सेकेंड कर देंगे ठीक है ये आपके पास अच्छा ये आपके पास सॉल हो गया अब इसके बाद हमारे पास और प्रॉब्लम है ठीक है इसको सॉल्व करते हैं ओके द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कास्टिंग हैज़ कास्टिंग एन इसकी बात कर रहे हैं कि आपके पास एक मेटेलिक एक कास्टिंग है एंड द कास्टिंग हैज़ अ मास ऑफ थ्री मेगा ग्राम सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड इनिशियली एट रेस्ट ठीक है ये आपके पास सस्पेंडेड है इनिशियली आपके पास रेस्ट में है इट इज़ गिवन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ टू हंड्रेड एम एम पर सेकेंड ठीक है इसकी जो स्पीड है वो आपके पास टू हंड्रेड एम एम पर सेकेंड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में ओके इन ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंड्स ठीक है और ये आपके पास जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड्स है थ्री सेकेंड्स की बात कर रहे हैं कि ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंडस में अपवॉड इसकी स्पीड ही इतनी है अच्छा यूजिंग अ क्रेन हुक एच यहाँ पे आपके को एक क्रेन है जो जिस जिस जिसके साथ इसको जिस टेज किया हुआ है थ्रू होच डिटरमाइन द टेंशन इन केबल ए सी एंड ए बी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ठीक है जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इस टाइम ड्यूरेशन यानी जीरो पॉइंट थ्री में आपके पास आपने फाइंड करना है कि ए बी में टेंशन कितनी है जो फोर्स टेंशन फोर्स है और ए सी में कितनी है ठीक है तो जस्ट आपने ये फाइंड आउट करना है ठीक है अच्छा कानामेटिक्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फर्स्ट इससे हमें हमारा हमें, हमें इसका एक्सेशन फाइंड आउट हो जाएगा एंड अप्लाई देखें वो आपके पास है कि वी इज़ इक्वल टू वी नाट वी नाट आपके पास क्या है इनिशियल वेलासटी फाइनल वेलोसिटी इज इक्ल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलेशन इन टाइम्स ठीक है एंड वी हैव अच्छा ज़ीरो पॉइंट टू आपके पास ये टू हंड्रेड एम एम पर सेकेंड है इसको हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ज़ीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ठीक है और ज़ीरो जो है आपके पास इनिशियल वालासटी है तो इनिशियल वलासिटी आपकी आपके पास इसकी ज़ीरो थी क्योंकि आपको यहाँ पर बताया गया है ठीक है आपने ये जो वेल स्टेटमेंट इसको केयरफुली रीड करना है इससे आपको आइडिया होगा क्लियर ठीक है कि जब आपके पास इनी जो पार्ट है या जो बॉडी है पार्टिकल है दैट इज़ फर्स्ट इन एट रेस्ट बाद में जब आपने इसको आफ्टर आप थ्री सेकेंड्स जो है हम इसका एनालिसिस फिर करेंगे तो इनिशियली हमारे पास रेस्ट में होगा फाइनल व हमारे पास गिवन है कि टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन इन टू टाइम आपको नॉन है दैट इज़ जीरो पॉइंट थ्री ठीक है तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स 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 सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक ठीक है अच्छा इससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया अब हम क्या करेंगे कि आ, जो एक्स कंपोनेंट है पहले उसमें हम जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उसको रिजॉल्व करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया और फिर वाई कंपोनेंट में हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं उसको रिजॉल्व करेंगे ठीक अच्छा फर्स्ट में सर आप देख लें कि एक्स कंपोनेंट में एक्स इस डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव होगा तो सम्मीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स कंपोनेंट इक्वल टू तो एम मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कंपोनेंट ठीक है ये देखें आप इसमें आप क्या करें ये जो आपके पास है ये सारे फोर्सेस हैं आपके पास ठीक है एक्स कंपोनेंट में फोर्सेस आपके पास क्या है कि एक आपके पास लग रहा है एफ ए बी देखिए ए और बी इसकी बात कर रहा है कि एफ ए बी एक फोर्स आपके पास ये लग रहा है एक फोर्स आपके पास ये लग रहा है ठीक है लेकिन ये दोनों फोर्सेस आपके पास स्ट्रेट नहीं लग रही अगर ये यहाँ से डायरेक्ट इसको हम अटैच कर लेते तो आपके पास ये एंगल ना होता लेकिन चूँकि इसमें आपके पास ये एंगल है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका एक कंपोनेंट लेंगे जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट में होगा ठीक है जो जो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास आ, आ, एकस जो एक्सेस है उसमें जो कंपोनेंट होगा उसको हम ले लेंगे फर्स्ट ठीक है क्योंकि हम सिर्फ एक्स को रिजॉल्व कर रहे हैं वाई के लिए फिर हम बाद में करेंगे तो अब एफ ए बी साइन थर्टी ठीक है साइन थर्टी हमने क्यों लिया क्योंकि फोर्स इन ए बी ठीक है ये तो आपके पास शो कर रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपके पास है लेकिन साइन थर्टी जो है आपके पास ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है ठीक है ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है ये आपके पास वाई डायरेक्शन है अब यहाँ से यहाँ तक ये जो कंपोनेंट है देखें ये यहाँ से आया हुआ है ठीक है और यहाँ से ये यहाँ तक ये ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में हमने ये फाइंड करना है तो ये आपके पास क्या है अब यहाँ से देखें कि एंगल यहाँ पे है तो एंगल के सामने जो होगा आपके पास वो क्या होगा साइन थीटा ठीक है तो साइन थीटा यानी कि साइन थर्टी ठीक है अब ये एंगल जो भी होगा आपके पास अपने साइन के साथ वो लगा देना है तो आपके पास ये कंपोनेंट आ जाएगा अच्छा फोर्स साइन थर्टी ये आपके पास ये आ गया माइनस फोर्स ए सी फोर्स जो फोर्स लग रही है ए सी ए सी यानी कि अलॉन्ग ए टू सी दिस पॉइंट टू तो, दिस पॉइंट दैट इज़ आल्सो साइन थर्टी ठीक है ये आपके पास साइन थर्टी अच्छा इसको हमने पॉजिटिव लिए इसको हमने नेगेटिव लिया क्यों देखें यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है ठीक है इसको आप ओरिजिन ले लें तो जब आपके पास ये ओरिजिन होगा तो देखें ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में आपको आपकी लग रही है यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है लेकिन जो ए सी फोर्स है दैट इज़ एक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ठीक है ये इस पॉइंट में लग रही है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सेस में लग रही है और ये फोर्स आपके पास पॉजिटिव में तो इस फोर्स को आप पॉजिटिव लेंगे यानी इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट को आप पॉजिटिव में लेंगे एंड दैट इज़ एफ ए बी साइन थर्टी और माइनस इसको माइनस इसी ले लिया है कि ये आपके पास नेगेटिव एक्सेस में लग रहा है तो एफ ए सी साइन थर्टी ठीक है थर्टी दोनों आपके पास एंगल सेम है तो ये आपके पास ज़ीरो दोनों आपके पास जीरो के बराबर हो जाएंगे क्योंकि इस बॉडी में या इस पार्टिकल में एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी मोशन नहीं हो रही उसमें कोई भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है जब ज़ीरो हो जाएगा तो वो आपके पास एम के साथ मल्टीप्लाई होके पूरा टर्म आपके पास जीरो हो जाएगा ठीक है अब इससे हमारे पास ये आ जाएगा कि एफ ए बी इज़ टू एफ ए सी यानी एफ ए जो है ठीक है वो इक्वल है एफ ए सी के अगर ये इक्वल ना होते तो लाजमी इसमें क्या होता कि इस एक डायरेक्शन में इसने ये अनबैलेंस फोर्स हो जाता फिर ठीक है अब ये आपके पास दोनों सेम है तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट में ये है ठीक है अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आ, जो वाई कंपोनेंट है इसमें हम फाइंड करेंगे कि अपवर्ड आप जो आपके पास सम्मीशन ऑफ आल द फोर्सेस एलॉन्ग वाई कंपोनेंट है और वाई एक्सिस आपके पास अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है तो दैट इज़ इक्वल टू एम ए एलॉन्ग वाई कंपोनेंट ठीक है अब ये जो आपके पास फोर्सेस हैं ठीक है इसका भी आप देखिए यहाँ पे आप जो फ्री बॉडी डाइग्राम है इसको आप अगर ले लें तो देखें इसमें इस, इस डायरेक्शन में तो आपके पास जो फोर्सेज लग रही थी वो तो हमने यहाँ पर ले ली लेकिन वाई कंपोनेंट में आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं देखें एक तो आपके पास इसका जो वेट है वो आपके पास लग रहा है और एक ये फोर्स आपके पास अपफ आप लग रही है एक ये फोर्स आपके पास अपफ आप लग रही है हालांकि दोनों आपके पास सेम फोर्सेस हैं ठीक है एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी ठीक है हमने फाइन किया था कि ये दोनों आपके पास सेम है तो आप क्या करेंगे कि इसका जो वाई का कंपोनेंट है इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आप लेंगे ठीक है ये कंपोनेंट जब आप लेंगे तो दोनों का तो आपके पास सेम है तो उसको आप क्या करेंगे कि F cos 30 को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा ठीक है इसलिए क्योंकि आपके पास दोनों जो फोर्सेज हैं वो सेम है तो आपने क्या किया कि टू एफ कॉस थर्टी ठीक है अब माइनस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी ये आपके पास कहाँ से आया ये जो आपके पास ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ठीक है इसका जो वेट था आपके पास वेट आपके पास कितना था देखें मास आपको गिवन है थ्री मेगा ग्राम ठीक है अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को जब के जी में कन्वर्ट करेंगे ये आपके पास हो जाएगा थ्री थाउजेंड के जी ठीक है अब जब ये थ्री थाउजेंड के जी हो जाएगा तो ये आपके पास मास है इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे आ, फोर्स में या वेट में तो आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन पॉइंट एट वन के साथ थ्री थाउजेंड इंटू नाइन पॉइंट एट वन आपके पास ये फोर्स आ जाएगा ठीक है और ये क्या कहाँ पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और हमारे पास जो वाई है वो पास अपवर्ड पॉजिटिव है तो इसलिए हम माइनस ट्वेंटी थर्टी न्यूटन जो फोर्स है वो लगा देंगे ठीक है अब इसके साथ इक्वल इक्वल टू थ्री थाउजेंड और जो एक्सेलरेशन इसमें तो एक्सेलरेशन है ना अपवर्ड वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है और डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए ऊपर हमने इसको जीरो किया था लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में तो हम क्या करेंगे कि थ्री थाउजेंड इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स 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 सेवन अब ये कहाँ से आया आपके पास ये हमारे पास इस इक्वेशन से आया था जो हमने ए को फाइंड किया था ठीक है जब आप इसको ये स, स, ये जो सब आपके पास है इसको ये इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगा तो जब सॉल्व करेंगे आपके पास एफ़ इज इक्वल टू एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्स न्यूटन हो जाएगा और दैट विल दैट इज़ इक्वल टू एटीन पॉइंट वन किलो न्यूटन ठीक है तो ये आपके पास फोर्स जो है वो डिटरमाइन हो गया कि आपके पास ये जो फोर्स ए बी और फोर्स ए सी में कितना न्यूटेंशन है ये जो फोर्स है वो कितनी है आपके पास है एटीन पॉइंट वन के ठीक है अच्छा ये आपके पास साल हो गया इसके बाद हमारे पास एक थर्ड एक प्रॉब्लम है इसको भी देख लेते हैं ठीक है चलें इसको देखें कि स्मूथ टू के जी कॉलर सी ठीक है इस कॉलर की बात कर रहे हैं कि आपके पास एक कॉलर है और स्मूथ है यानी कि अपवर्ड इसकी जो यहाँ पे मोशन है वो बिल्कुल आपके पास स्मूथ हो रही है ठीक है टोन फिगर थर्टीन पॉइंट नाइन ठीक है इज मैं इसको एडमिट कर दूँ इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हैविंग अ स्टिफनेस के इज इक्वल टू थ्री न्यूटन पर मीटर ठीक एक स्प्रिंग के साथ इसको अटैच किया गया है इस कॉलर को ठीक है ये ये स्प्रिंग है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फिर बाद में इसको यहाँ पे जब आ, हम टू के जी इसका वेट है तो जब हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे आपकी आवाज़ आ जाता है और इसका जो स्टिफनेस है स्प्रिंग के स्टिफनेस दैट इज़ के इज इक्वल टू थ्री न्यूटन पर मीटर ठीक है एंड अनस्ट्रेच अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर और ये जो टोटल लेंथ इसकी है जब ये अब स्ट्रेच नहीं हुआ होता उस वक्त इसकी टोटल लेंथ आपके पास है ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर इफ द कॉलर इज़ रिलीज फ्राम रेस्ट एट ए जब यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं ठीक है टू के जी है तो जब हम इसको छोड़ेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास नीचे जाएगा डिटरमाइन एक्सक्सलेशन एंड द नॉर्मल फोर्स ऑफ द रॉड ऑन दॉलर एट द इंस्टेंट वाईजल टू वन मीटर ठीक है ये कह रहे हैं कि जब आप इसको ए पॉइंट से कॉलर टू के जी जो आपके पास है जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे ठीक है तो ये आपके पास डाउनवर्ड मोशन करेगा और तो ये जब आपके पास वन मीटर डिस्टेंस कवर करें यानी कि वाई डायरेक्शन में आपके पास वन मीटर चला जाए उस जगह पे आपने इसका नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है ठीक है नॉर्मल फोर्स का मतलब ये है कि इस फोर इस ये यहाँ पे आपके पास इसको पुल कर रहा है यानी कि जो फोर्स इसके ऊपर यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है जो नॉर्मल फ़ोर्स इसको ऑफ़र हो, हो रहा है वो क्या है आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास लगेगा तो वो आपने फाइंड करना है ठीक है और दूसरा आपने क्या किया है कि आ, इसका एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर देना है ठीक है सी उसको हम करते हैं कैसे करना है अच्छा इस डायग्राम को अब ज़रा देखें हमसे पूछ रहे हैं हमें बता रहे हैं कि आपके पास एक टू के जी का कॉलर है ठीक है ये कॉलर है यानी कि इसका वेट जो है आपके पास टू के जी है ठीक है और इसको अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ ये स्प्रिंग आपके पास उसकी जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर इसको जब हम यहाँ से आ, आ, फ्री फॉल करते हैं इसको जब हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये डाउनवर्ड इसकी मोशन आपके पास होगी ठीक है तो ये आपके पास स्ट्रेच हो जाएगा और इसका जो के जो है आपके पास दैट इज़ थ्री न्यूटन पर थ्री न्यूटन पर मिनट थ्री न्यूटन पर मीटर ठीक है अच्छा यहाँ पे ही आपके पास एंगल थीटा भी गिवन है और पॉइंट ए टू पॉइंट सी और सी टू पॉइंट बी हमने अभी फाइंड करना है आ, इसके लिए एक नॉर्मल जो फोर्स है वो और एक एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है ठीक है तो देखते हैं किसको किस करते हैं द फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ द कॉलर व्हेन इट इज़ लोकेटेड एट द आर्बिट्री पोजिशन वाई शोन इन फिगर फर्दर मोर द कॉलर इज टू बी एक्सेलरेटिंग सो दैट ए एक्स डाउनवर्ड ए आपके पास डाउनवर्ड एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको आ, जब रिलीज करेंगे ये आपके पास डाउनवर्ड होगा और हमारे पास ये ओरिजन पॉइंट है ये आपके पास ओरिजन पॉइंट है ओरिजन तो पॉइंट से डाउनवर्ड आपके पास इसको हमने पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन में हमने एक्स को नेगेटिव लिया तो डाउनवर्ड आपके पास हुआ पॉजिटिव है ये आपके पास यहाँ पे शोन है ठीक है अच्छा देन हमारे पास है कि इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन देर आर फोर अननोन नेमली एन सी जो नॉर्मल है एफ एस जो स्प्रिंग uh, फोर्स uh, है जो जो इक्वल है के एस के बराबर है ठीक है वो एक्सेलरेशन और एंगल थीटा भी हमारे पास नॉन नहीं है तो ये हमने फाइंड करने हैं। अच्छा इसके लिए हमने जो uh, क्या करना है कि इसी तरह कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं कि एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस आपके पास लग रही हैं ठीक है थीके? तो आप चेक करें देखें यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में आपके पास वाई पॉजिटिव है ठीक है इस डायरेक्शन एलॉन्ग ये आपको गिवन है एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक्स पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में आपके पास वाई पॉजिटिव है तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एलोंग एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स ठीक है तो फोर्सेज जो एक्स <coughs> अच्छा, डायरेक्शन में आपके पास फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे इस कॉलर को देख लें सॉरी अच्छा ये है माइनस एन सी ठीक है माइनस क्यों है क्योंकि एक्स इस डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव है जो कि आपके पास एन सी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आपके पास ये नेगेटिव होगा प्लस एफ एस कॉज थीटा ठीक है अब एफ एस आपके पास ये लग रहा है ये जो फोर्स है स्प्रिंग की वजह से आपके पास लग रही है ये आपके पास एफ कॉज थीटा है एफ़ कॉस थीटा क्यों है क्योंकि ये आपके पास एक एंग एक एंगल पे लग रहा है तो हमने क्या करना है कि इसका ये वाला कंपोनेंट हमने लेना है यानी कि एक्स कंपोनेंट लेना है ठीक है ये फोर्स आपके पास इस तरह लग रही है तो इसका जो ये कंपोनेंट है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसका जो फोर्स है एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट दैट इज़ दैट इज़ एफ एस कॉस थीटा ठीक है तो एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो अब ज़ीरो क्यों है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कॉलर का एक्स डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है ये जस्ट अपवर्ड मोशन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है कि एक्सेलेशन आपकी जब यह इस डायरेक्शन में ज़ीरो ए एक ये ए एक्स जो आपके पास अगर ज़ीरो हो जाएगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो सारी टर्म है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गया अब आ, हम क्या करेंगे कि जो वाई कंपोनेंट है उसको रिजॉल्व करेंगे Y कंपोनेंट आपको गिवन है कि दैट इज़ पॉजिटिव डाउनवर्ड तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एम ए वाई ए अलॉन्ग वाई समीशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई कंपोनेंट करनी है समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई इज इक्वल टू एम ए वाई तो हमारे पास 19.62 पॉइंट 19 सिक्स टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू कहाँ से आया है हमारे पास टू के जी का आपके पास वेट है ठीक है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नाइन पॉइंट एट के साथ ठीक है ये डायरेक्ट यहाँ पे हुआ है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जब ये जो फोर्स है ये कहाँ से आता है इसका वेट इनटू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास के जी से वेट आ जाता है ये ठीक है अच्छा ये नाइन्टीन पॉइंट सिक्स टू माइनस एफ एस साइन अब इस एफ जो फोर्स आपका लग रहा है इसका हमने ये जो कंपोनेंट है देखिए ये यहाँ पे लगा था हमने ये कंपोनेंट फाइ एक्स के लिए रखा था अब ये जो कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट में जो लगेगा ये हमने फाइंड करना है एंड दैट इज़ एफ एस साइन थीटा तो ये आपके पास साइन थीटा के बराबर है और नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास वाई नेगेटिव है डाउनवर्ड में आपके पास पॉजिटिव है इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेंगे ठीक है इज़ इक्वल टू टू ए ठीक है जो एक्सेलरेशन आपके पास है वो आपके पास टू ए के बराबर है टू क्या है आपके पास एक्सेलरेशन तो हम फाइंड करेंगे टू जो है वो आपके पास एम जो हमने हम, हमें गिवन है ये जो इसका कॉलर का जो जो मास है हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टू ए हो जाएगा अच्छा अब हमारे पास है कि एफ एस इज वल टू के एस ठीक है और के एस है हमारे पास ए बी इज इक्ल टू ए बी हमारे पास क्या है ए बी जो का जो डिस्टेंस है वो है ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव एफ एस को जब हम फाइंड करेंगे ये इस, इसकी बात कर रहे हैं हम ये जो फोर्स है ठीक है ये एफ एस दैट इज़ इक्वल टू के एस ठीक है और एस को पहले हम फाइंड करेंगे के तो हमारे पास नॉन है ठीक so, है तो के नॉन है एस को फाइंड करेंगे तो एस इज़ इक्वल टू स्प्रिंग एस इज़ इक्वल टू सी बी माइनस सी ए ठीक है देखें सी बी माइनस सी ए बी सी बी माइनस ए बी सी बी माइनस ए बी ठीक है इसको आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ यहाँ पे जो जो स्प्रिंग में आपके पास जो आ, जो स्ट्रेच हुआ होगा वो आपके पास आ जाएगा ठीक है एंड दैट इज़ इक्वल टू जब आप देखें, इसको जब आप फाइंड करेंगे तो किस तरह करेंगे थ्योरम आप इस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आपके पास एक ट्राइंगल है ठीक है और ये आपको नोन नहीं है यानी कि सी और बी आपके पास नोन नहीं है जब आप इसको फाइंड करेंगे तो किस तरह आप कर सकते हैं इसको इजीली आप क्या करेंगे कि थ्योरम के थ्रू फाइंड कर लेंगे आपके पास सी बी आ जाएगा और ए बी तो आपके पास नोन है ठीक है ये आपके पास सी बी है तो ये नोन जब आपने फाइंड करना है तो क्या कहाँ से करेंगे वाई स्केयर प्लस ए बी स्केयर ठीक है तो ए बी इन दोनों का जब आप स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास ये जगह आ जाएगी ये है यानी कि हाईपर्टिन्यूस है ना आ, एक ए बी बेस का पता है आपको परपेंडिकुलर का पता है और आपको हाईपर्टिन्यूस फाइंड करना है तो उसके लिए आप पता थ्योरम में अप्लाई कर देंगे उसका क्या है आपके पास कि परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्र अंडर रूट इसका जब आप अंडर रूट लेंगे आपके पास हाइपर्टिन्यूस आ हा जाएगा तो सी बी आपके पास ये हो जाएगा ठीक है ये आपके पास सी बी हो गया ठीक उसके बाद माइनस ये माइनस आप लगा देंगे एन ए बी ए बी आपके पास नॉन है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव मीटर ठीक है अच्छा अब अब ये तो आपके पास सी बी माइनस ए बी या एस आ गया आपके पास अब एफ़ एस इज इक्वल टू के एस है हमें पता है यहाँ पे तो के तो आपके पास नॉन है गिवन है के इज इक्वल टू थ्री तो आप क्या करें जस्ट कि थ्री को इस एस के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो होल टर्म है इसके साथ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एस आ जाएगा और एफ एस आपके पास नॉन है दैट इज़ वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव ज़ीरो न्यूटन ठीक है तो एक आपके पास तो एफ एस नॉन हो गया ठीक है अच्छा इसके बाद आप जब थीटा को आपने फाइंड करना है थीटा आप किस तरह फाइंड करेंगे द एंगल थीटा इज़ रिलेटेड टू वाई बाई ट्रिग्नोमेट्री एंड टेंजन टीटा इज इक्वल टू वाई बाई ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव यानी कि देखें जब आपने जब टीटा टीटा को आप फाइन करेंगे तो टेंजन टीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर आपके पास कितना है ये आपके पास परपेंडिकुलर है ये आपके पास बेस है अब आप परपेंडिकुलर आपके पास नॉन है दैट इज वन यहाँ पर आप वन पोट करेंगे ठीक है और यहाँ पे आपके पास ये नॉन है कि ये कितना है जो ए बी है या जो बेस है आपके पास दैट इज़ जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा आपके पास आ जाएगा फिफ्टी थ्री पॉइंट वन डिग्री तो ये जो थीटा है ये आपके पास नॉन हो जाएगा ये आपके पास फिफ्टी थ्री पॉइंट वन डिग्री है अच्छा इसके बाद देखें आपने एफ एस फ़ाइन कर लिया आपने थीटा फाइन कर लिया अब आप, हम आप, आप, आपके पास एन सी और ए को फाइंड करना इजी हो गया जो आपके पास इक्वेशंस थे पहले यहाँ पे हमने जो फाइंड किए थे ये इसमें आप क्या करें कि एफ एस इसमें पुट कर दें आपके पास एन सी आ जाएगा ठीक है और एफ एस यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास एफ एस और थीटा देखें इस यहाँ पर हमारे पास चार अन थे ना वन टू थ्री और ये वाला फोर ठीक है तो ये ये हमारे पास नॉन हो गया ये भी नॉन हो गया हम अब क्या करेंगे कि एफ एस पुट कर देंगे ये थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास एन सी आ जाएगा इस इक्वेशन से ठीक है और सेकेंड इक्वेशन में हम एफ एस पुट कर देंगे थीटा पुट कर देंगे हमारे पास ए ए आ जाएगा ठीक है जब हम कैलकुलेशन जब हम इसकी कर लेंगे ठीक तो है तो एन सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट नाइन जीरो जीरो न्यूटन और एक्सेलरेशन इज़ नाइन पॉइंट टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्र ठीक है इसकी समझ है ऑल क्लियर इसमें कोई मसला तो नहीं है क्लियर अच्छा ओके okay. इसके बाद है हमारे पास कि एक और प्रॉब्लम है दो बॉक्स हैं इसको देखते हैं ज़रा ये दो बॉक्स है उसको अटैच किया हुआ है एक लिंक के साथ ठीक है इफ़ इफ़ ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास टेन के जी एंड सिक्स के जी ये आपके पास टेन के जी है ये आपके पास सिक्स के जी है Respectively are placed on the plane inclined plane and released okay? determine the force developed in the link the coefficients of kinetic friction between the block and the inclined plane are mu a is equal to this and mu b is equal to this your so, mu here that is the coefficient of friction between the uh, block a and the surface है. Okay? or 0 0.3 hai. दैट इज द ऑफ़ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड द सर्फेस ठीक है नेग्लेक्ट द मास ऑफ द लिंक जो लिंक है इसका मास आप जब उसको निगलेक्ट कर दें ठीक है अच्छा इसमें आपने फोर्स फाइंड करना है कि लिंक में फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये जो आपके पास लिंक है इसके ऊपर तो। ठीक है आप इसको दो अटैच है एक दूसरे के साथ तो दोनों का दोनों ए और बी का ब्लॉक का जो जो क्या कहते हैं एक्सेलेशन जो है वो तो आपके पास कांस्टेंट होगा का। जो एक्सेलेरेशन इसका होगा वो आपके पास इसका भी होगा ठीक है वो फोर्स है उसको आपने फाइंड करना है कि यहाँ पे आपके पास कितना फोर्स है तो उसके लिए हम करते हैं देखें ए द कैनेटिक फ्रिक्शन एफ है इसकी बात कर रहे हैं कि एफ ए जो कैनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे ए ब्लॉक के पास जो फ्रिक्शन है दैट इज़ इक्वल टू म्यू ए म्यू ए के लिए हमारे पास वैल्यू क्यों नहीं है म्यू ए आपके पास जीरो पॉइंट वन है और ये आपके पास ज़ीरो पॉइंट थ्री क्यों है क्योंकि हो सकता है देखें आपके पास एक तो सरफेस तो सेम है ठीक है लेकिन जो ब्लॉक ए uh, है दैट इज़ मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ मटेरियल और या ये जो तो है आपके पास सर्फिस uh, का रफ़ हो सकता है ठीक है इसका ज़्यादा रफ़ हो सकता है इसका थोड़ा कम रफ हो सकता है इसलिए इसका जो कॉपिशन ऑफ फ्रिक्शन है एक दूसरे के अलग अ, मतलब चेंज डिफरेंट है एक दूसरे के से तो इसलिए हमने जिसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके लिए अलग फाइंड करना होगा इसके लिए अलग फाइंड करना होगा ठीक है अच्छा ये जो फीव बड़े एग्राम इसको ज़रा यहाँ पर देखें कि एफ फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑफ ब्लॉक ए इज़ इक्वल टू म्यू ए एन ए ठीक है यानी कि नॉर्मल फोर्स जो लग रही होगी नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स हमेशा आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी बॉडी के या जो प्लेन है उसकी ठीक है तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली यहाँ पे लगेगी नॉर्मल फोर्स ठीक है एंड देट इज़ और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा आपके पास जो म्यू है ऑफ फॉर ब्लॉक ए इनटू दिस फोर्स तो ये आपके पास फ्रिक्शन के बराबर होगा और इसका जो जो ब्लॉक ए का मोशन है वो किस डायरेक्शन में है आपके पास इस डायरेक्शन में है ठीक है इस डायरेक्शन में जब आपके पास होगा तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास उसके अपोजिट लगेगी ठीक है हमेशा आपके बॉडी के मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगती है ठीक है ये तो हो गया आपके पास कि फ्रिक्शन फोर्स एंड ब्लॉक फॉर ब्लॉक बी जो है वो आपके पास आपने इसी तरह क्या करना है कि नॉर्मल फोर्स ऑफ बी ठीक है उसको मल्टीप्लाई कर देना है म्यू न्यू फॉर ब्लॉक बी जब आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स फॉर ब्लॉक बी आ जाएगा ठीक है आर रिक्वायर टू एक्ट अप द प्लान टू तो अपोज द मोशन ऑफ द ब्लॉक विच आर डाउन द प्लान ठीक है ये इस जो डाउनवर्ड जो फोर्स जो मोशन हो रही है बॉडीज़ की जो ए और बी ब्लॉक है इसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसकी बात कर रहे हैं सिंस द ब्लॉक आर कनेक्टेड दे हैव कॉमन एक्सेलरेशन है तो ये दोनों जब आपके पास सेम होंगे तो उसका जो एक्सलेशन है दैट विल बी आल्सो सेम अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय रेफरिंग टू फिगर ए और बी इस ए और बी ये आपके पास ब्लॉक ए की फिगर है ये आपके पास ब्लॉक बी की फिगर है ठीक है अच्छा हम क्या करते हैं पहले फाइंड करते हैं समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट आपको आपके पास इस डायरेक्शन में है ठीक है ये इस डायरेक्शन में आपके पास वाई कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में आपके पास एक्स कंपोनेंट है ठीक है वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ठीक है ये दोनों में आपके पास है इस डायरेक्शन में आपके पास वाई इसमें एक्स और इसी तरह वाई और एक्स ठीक है तो ये आप कंपोनेंट जहन में रखना है यहाँ पे आपको नॉन भी है ठीक है इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास है कि वाई और एक्स इस, इस कंपोनेंट अच्छा तो हम जब वाई कंपोनेंट को फाइंड करेंगे तो वाई कंपोनेंट में आपके पास फॉर ये ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं कि ब्लॉक ए पे आपके लिए आपके पास क्या लग रहा है वाई में एन ए ठीक है? और ये पॉजिटिव है ये एन ए लग रहा है अपवर्ड अपवर्ड आपके पास पॉजिटिव है तो ये हमने पॉजिटिव लगा दिया माइनस टेन इंटू नाइन पॉइंट एट वन ठीक है ये हमारा तकरीबन जो तीसरा भी तीसरा या चौथा प्रॉब्लम जितना भी है तीनों में आपके पास जो वेट है वो मास जो है वो आपको गिवन होता है ठीक है और जब आप इसका लोड या इसका जो वेट आप फाइंड आउट करते हैं जो इसका जो फोर्स है वो फाइंड आउट करते हैं तो आप जस्ट सिंपली क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन पॉइंट एट के साथ ठीक है तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है ठीक है दैट इज़ टेन इंटू नाइन पॉइंट एट वन टेन इस बॉडी का ये जो ब्लॉक ए है इसका वेट है मॉस है इसको जब आप नाइन पॉइंट एट वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आपके पास इसका वेट आ जाएगा अच्छा इंटू काज थर्टी अच्छा अब कॉज थर्टी हमने इसके साथ क्यों लिया है क्योंकि जो वेट जो नॉर्मल फोर्स आपके या जो सॉरी जो वेट आपके पास इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है वो आपके पास थर्टी डिग्री के ऊपर लग रही है ठीक है थर्टी डिग्री यानी कि एंगल के ऊपर लग रही है और हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो कंपोनेंट है ये आपके पास वाई कंपोनेंट में देखें ये वाई के साथ बिल्कुल पैरल में जा रहा है तो ये कंपोनेंट आपने फाइंड करना है ये वाई के साथ होगा और ये जो कंपोनेंट है ये आपके पास एक्स कंपोनेंट के साथ होगा देखें ये एक्स कंपोनेंट है ये एक्स है, है तो ये इस डायरेक्शन में जितना भी होगा वो एक्स कंपोनेंट और दैट इज़ इन दिस इज़ इन वाई कंपोनेंट सो जो वाई कंपोनेंट इसका है हमने लेना है तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि दिस फोर्स ठीक है या द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इन टू कॉज ठीक है और एंगल हमारे पास थर्टी टू सो दिस मैग्नीट्यूड कॉज थर्टी ये आपके पास वेट आ जाएगा ओके इज इक्वल टू टेन इंटू ज़ीरो टेन आपके पास मास है ज़ीरो आपके पास एक्सेलरेशन है अब एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हो रही आपके पास ये कि वाई कंपोनेंट में आपके पास एक्सेलरेशन नहीं हो रही ठीक है तो जब वाई में आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होती तो आपने क्या करना है उसको ज़ीरो पुट कर देना ज़ीरो पुट करेंगे आपके पास ये होल टाइम ज़ीरो हो जाएगा और इससे आपके पास एन ए आ जाएगा ये जो फोर्स है ये नॉन हो जाएगा कि आपके पास ये कितना है एंड देट इज़ इक्ल टू एटी फोर पॉइंट नाइन सिक्स न्यूटन ठीक है तो जो नॉर्मल फोर्स आपके पास ब्लॉक ए के ऊपर एग्जर्ट हो रहा ही है दैट इज़ एटी फोर पॉइंट नाइन सिक्स न्यूटन ये तो आपके पास नोट हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट समीशन ऑफ फोर्सेस एलॉन्ग एक्स कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में आपके पास वाई जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा ठीक है तो हम लेते हैं चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं अच्छा यहाँ पे सबसे पहले जो एक्स कंपोनेंट में आपके पास फोर्स लग रही है एक तो जो वेट आपके पास लग रही थी उसका एक कंपोनेंट लगेगा लग जो दैट इज़ दिस मैग्नीटूड इंटू साइन और थर्टी ठीक है तो ये आपके पास वेट का आ जाएगा ठीक है वेट आपके पास आ जाएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट वन इंटू एटी फोर पॉइंट नाइन सिक्स अच्छा ये आप कहाँ से आया आपके पास अच्छा यहाँ पे देखें आप लोगों को जब ये फो, ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जब आपके पास मो, मोशन करेगी ठीक है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट होगी अब वो फ्रिक्शन फ़ोर्स आपके पास नॉन है कि ज़ीरो पॉइंट वन कहाँ से यहाँ से आया है ठीक है म्यू इन टू एन एन हमने फाइंड कर लिया फॉर ए एन नॉर्मल फोर्स फॉर है ये इसकी बात कर रहे हैं इस फोर्स की तो ये हमने फाइंड कर लिया एटी तो इस एन ए की जगह पे हम यहाँ पे इसी को पुट कर देंगे एटी फोर पॉइंट नाइन सिक्स ठीक तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम माइनस इसलिए लेंगे कि इस डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है और माइनस ये जो लिंक के बाद जब हम फोर्स फाइंड करेंगे कि इसमें आपके पास कौन से फ़ोर्स है ठीक है वो आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है तो देट इज़ माइनस एफ़ किध ये माइनस एफ और इज़ इक्वल टू एम की जगह आपने टेन के जी बुट कर दिया और ए की जगह पे आपने ए पुट कर दिया जो हमारे पास नॉन नहीं ठीक है अच्छा इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन वन आ जाएगा इक्वेशन वन आ जाएगा आपके पास इसी तरह जो हमने ये जो पहले दो किए ठीक है आ, हमने जो ये सबमिशन कर लिए सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एलॉन्ग वाई सबमिशन ऑफ़ ऑल द फोर्सेज एलॉन्ग एक्स इसी तरह आपने क्या करना है कि सम्मीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एलॉन्ग समीशन ऑफ ऑल द फोसेज एलॉन्ग वाई फॉर ब्लॉक बी और समीशन ऑफ ऑल द फोसेज एलॉन्ग ए सेम यही प्रोसेस है ठीक है जो हमने इसके लिए किए आपने इसी तरह इसके लिए भी कर देना है और आपके पास जब यहाँ से यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये इक्वेशन इक्वेशन वन यहाँ से इक्वेशन टू इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से ए आ जाएगा और यहाँ से आपके पास एफ़ आ जाएगा सो एक्सेलरेशन इज़ थ्री पॉइंट फोर टू मीटर पर सेकेंड स्क्र एक्सेलरेशन आपके पास चूँकि एक इसलिए क्योंकि दोनों आपके पास सेम है ठीक है दोनों ब्लॉक आपके पास कनेक्टेड हैं तो इसमें जो फोर्स जो एक्सेलरेशन होगी वो आपके पास इसमें भी होगी दोनों का जो एक्सेलरेशन है दैट इज थ्री पॉइंट फोर टू मीटर पर सेकेंड स्क्र और एफ़ जो है आपके पास जो फोर्स हमने से मांगा गया था कि इस लिंक में आपके पास जो फोर्स क्रिएट होती है वो कितनी है ट इज़ सिक्स पॉइंट थ्री सेवन न्यूट्रन ठीक है ओके देर सॉल कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस